सबसे पहले बाइक में पेट्रोल पड़वा लेते हैं, करते हैं इस बाइक को राइड। हेलो एवराइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं होंडा एसपी 160, डबल डिस्क वेरिएंट है इसका। राइडिंग रिव्यू, 100 किलोमीटर प्लस चलाने वाले हैं। अभी बाइक चली है कुल 16 किलोमीटर, एकदम ब्रांड न्यू बाइक है। और आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ सारी बातें शेयर करने वाला हूँ, वो चाहे इस बाइक की राइड क्वालिटी हो, इस बाइक की ब्रेकिंग हो, माइलेज हो। अभी जैसे हमने 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में पड़वाया, इससे पहले बाइक का जो मीटर है वो ऐसे ब्लिप कर रहा था। हम लोग उस हिसाब से बाइक का माइलेज कैलकुलेट करेंगे कि अराउंड बाइक कितना माइलेज देने वाली है। बाइक में हमें यहाँ पर 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 13.46 पीएस की पावर 7,500 आरपीएम पे और 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5,500 आरपीएम पे। बाइक के जो स्पेक्स हैं, मतलब अगर पावर वाइज देखें तो उतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। अगर तुम कंपेयर करो हीरो एक्सट्रीम से कंपेयर करो या अपाचे 160 4V से कंपेयर करो, क्योंकि बाइक का वेट काफी कम है तो उस हिसाब से पावर टू वेट रेशो है बाइक का वो बहुत बढ़िया है। मतलब बाइक तुम्हें अंडर पावर फील नहीं होगी। ये आदमी यहाँ पे दुष्कर्म कर रहा था, इसे इग्नोर करना। इस बाइक का मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू बनाया हुआ है, तो तुम वो जाके ऑलरेडी चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बाइक की सारी स्पेसिफिकेशन डिस्कस की है, और उसमें जो मैंने उसका राइडिंग रिव्यू बनाया था वो रात के टाइम पे था, तो तुम जो उसकी लाइट क्वालिटी वगैरह है रात के टाइम पे, तो तुम वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो अभी हम अच्छी खासी ऑफ रोड में चल रहे हैं। देसी ऑफ रोडिंग तुम्हें पहाड़ों में मिलती है, ऐसी ऑफ रोडिंग पे हम चल रहे हैं, पूरे ग्रेवल्स ही ग्रेवल्स हैं यहाँ पे। और बाइक की जो सस्पेंशन है भाई, वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। बट वो भाई, बाइक की ब्रेकिंग कमाल, बाइक की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है गाइस। और बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है यार, वो बहुत बढ़िया है। बाइक का वेट है 142 या 140 केजी के आसपास है, और 12 लीटर का बाइक का फ्यूल टैंक है, तो उस हिसाब से बाइक का जो टोटल वेट है वो अराउंड 152-154 केजी हो जाता है। और बाइक मनोवरिंग करने में बहुत शानदार है यार। जितनी भी इस सेगमेंट की बाइक हैं, ज़्यादातर बाइक इसमें कम्यूटर बाइक्स हैं, तो इन बाइक्स को एक तरीके से डुअल पर्पस बनाया जाता है कि तुम हाईवेज पे भी राइड कर सको एज वेल एज तुम ऑफ रोडिंग भी कर सको। मतलब ऑफ रोडिंग नहीं, थोड़े बहुत जो रफ पैचेस आते हैं बाइक में। फ्रंट में हमें मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और अभी हम लोग इस बाइक की टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे। और अभी मैं हूँ फोर्थ गियर में, अभी बाइक को देखते हैं। अभी हमें फिफ्थ गियर में 84, 86, 89, 90, अभी देखते हैं कितना जाती है। 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, इज द टॉप स्पीड। और वैसे तो बाइक 106 पे जाके रुक गई थी, बट लेकिन जब एक ढलान आया ऐसे नीचे की तरफ, तो उसके बाद जब बाइक ऐसे नीचे की तरफ गई, तो वहाँ पे बाइक ने और लगभग 7-8 की स्पीड और अपनी इंक्रीज करी। तो बाइक में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, तो बाइक में एक गियर और दिया जा सकता था। अगर बाइक में 6 गियर होते तो आई थिंक बाइक थोड़ा और जा सकती थी। फुल वाइब्रेशन नहीं है बाइक में। अभी मैं फिफ्थ गियर में 73 की स्पीड पे हूँ, और बाइक में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। मैं इतना कंफर्टेबली बाइक को राइड कर रहा हूँ, और ना मेरे फुटपैक्स पे वाइब्रेशन है। यहाँ पे हमें रबड़ के फुटपैक्स दिए हुए हैं, एज वेल एज जो हैंडल बार्स हैं उन पे भी वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है। जो अगर मैं टैंक पे पैर ऐसे लगा के बैठता हूँ तो हल्की सी वाइब्रेशन है, वो तो नॉर्मल है यार, वो तो हर एक बाइक में होती है। और ये देखो बाइक की ब्रेकिंग, तो 70 की स्पीड से 26 की स्पीड तक बाइक कितनी इजीली आई है। यहाँ पे हमें डुअल डिस्क सेटअप देखने के लिए मिलता है। अभी हम बाइक को ट्रैफिक में भी टेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे कीचड़ है, तो अभी देखते हैं कि बाइक यहाँ पे कितने आराम से निकलती है। यहाँ पे अच्छा खासा कीचड़ है, और बाइक की जो टायर्स की ग्रिप है यार, वो मस्त है। मतलब आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इस बाइक की टायर ग्रिप से, और मुझे ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसे जो कीचड़ वाले रास्ते हैं उनसे निकलने में। तो जो बाइक का रियर ब्रेक है, उसकी जो बाइट है वो उतनी
मुझे मतलब एग्रेसिव नहीं लग रही, उतनी रेस्पॉन्सिव नहीं लग रही जितने मुझे जो बाइक के फ्रंट ब्रेक्स हैं। अरे भाई कितनी धूल उड़ाता जा रहा है यार, सब कुछ धुंधला है धुंधला। और देखते हैं कि बाइक कितना बढ़िया मनोवर होती है ट्रैफिक में, कितना कंट्रोल बढ़िया होती है ट्रैफिक में। यार जो एक चीज़ मेन आ जाती है वो है हमें बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्लच है वो कितना लाइट है, मतलब अच्छा। वो कितना फ्रीली मूव करता है, और जो हमारे गियर हैं वो कितनी हम इजिली चेंज कर सकते हैं, और एक हमारा टॉर्क बाइक का, ये तीन चीज़ भाई मेन है अगर तुम किसी भी बाइक को ट्रैफिक में राइड करना चाहते हो तो। एज वेल एज तुम्हारा वेट हो गया, बाइक का वेट हो गया, ये सब चीज़ें तो हैं ही, बट तुम्हें ज़्यादा गियर चेंज करने पड़ेंगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं एक उंगली से बाइक का क्लच चला सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एक फिंगर यूज़ कर रहा हूँ तो बाइक का क्लच मुझे हार्ड लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। एज वेल एज बाइक के जो गियर चेंजिंग है ना वो बहुत स्मूथ है भाई, ऐसे गियर चेंज होते हैं ना एकदम टक 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 टक, मतलब तुम गियर अप करो या डाउन करो तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। बाइक की जो पावर डिलीवरी है यार वो इतनी ज़्यादा लीनियर है कि तुम्हें ज़रा सा भी रश फील नहीं होगा, ये तुम एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हो और एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो। मुझे लगता है ये बाइक उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो बजाय एग्रेसिव राइडिंग के जो ऑफिस वगैरह जाते हैं उनके लिए ये बाइक सूट करेगी, अदरवाइज जो थोड़ी यंग जनरेशन है उसको टारगेट करके ये बाइक नहीं बनाई गई है, क्योंकि बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं किए गए हैं, कुछ कर्व्स ऐड किए हों या कुछ एरोडायनेमिक्स बाइक में किया गया हो, वैसा बाइक में कुछ नहीं है। बाइक की अगर मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की बात करूं, अगर तुम लोग इस बाइक को हाईवे पे चला रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाइक मतलब बहुत इजी चले और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें ज़रा सी वाइब्रेशन फील ना हो, और तुम्हें जो ये बाइक है वो बेस्ट माइलेज निकाल के दे, तो भाई तुम इस बाइक को 70 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो इस बाइक से, 70-75 इससे ऊपर अगर तुम बाइक को चलाओगे तो तुम्हारा जो माइलेज है वो भी ड्रॉप होगा, एज वेल एज जो तुम्हें वाइब्रेशन है वो भी फील होंगी, और तुम्हारी बाइक थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि जैसा मैं बाइक को राइड कर पा रहा हूँ, अगर मैं बाइक को 70 से ऊपर चलाता हूँ तो बाइक मतलब 75 से ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो बाइक हल्का सा मतलब कह सकते हो ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहती। बट अगर हम लोग अभी जैसे मैं 70 पे हूँ, और अगर देखो मैं 75 पे भी चलता हूँ, 74 हाँ, अगर मैं 75 की स्पीड भी मेंटेन रखता हूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली मैं बाइक को राइड कर पा रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत लोग बोल रहे थे कि अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है, बट लेकिन मैं एग्री नहीं करूँगा यार इस बात से, क्योंकि जो भीड़ बोल रही है अगर हम भी वही बात कहेंगे तो बाइक के साथ वो जस्टिस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की विजिबिलिटी बताऊँ, जैसा मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, मेरी आँखों से बहुत क्लियरली एक एक इन्फॉर्मेशन विजिबल है। मतलब बताओ मैं तुम्हें इसमें क्या चीज़ बताऊँ, मैं तुम्हें RPM भी बता सकता हूँ, अभी लगभग 5,000 RPM से ऊपर बाइक चल रही है, 5th गियर में है, गियर भी दिखा रहा है और सब कुछ दिखा रहा है, किलोमीटर 29 हो चुके हैं और 14.6 दिखा रहा है, और कितना क्लॉक दिखा रहा है 253, टाइम दिखा रहा है, फ्यूल इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब मैं सब कुछ चीज़ें बता सकता हूँ तुम्हें इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी यहाँ पर हैं, तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है यार, मतलब ठीक विजिबिलिटी है इसकी, कोई ऐसे कम विजिबिलिटी नहीं है, तो तुम्हें सारी चीज़ें इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। और बात करूँ इसका जो बिल्ड है, मतलब जो इसके स्विचेस की क्वालिटी है, स्विचेस की क्वालिटी भी मुझे बढ़िया लगी, यहाँ पे ग्लोसी लुक में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मैट स्विचेस नहीं आया, यहाँ पे तुम्हें जो प्लास्टिक है वो ग्लोसी मिलेगी इसके स्विचेस में, तो यहाँ पे हमें हाई बीम लो बीम दिया हुआ है, यहाँ पे टर्न ऑन इंडिकेटर्स है, यहाँ पे बाइक का हॉर्न है, बाइक का हॉर्न ठीक है, मतलब स्प्लेंडर जैसा है, ज़्यादा लाउड नहीं है, यहाँ पे बाइक का हैजार्ड स्विच दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ दिया गया है, और बाइक के मिरर्स की क्वालिटी भाई बिंदास, मतलब मुझे ऐसे नहीं करना, मतलब मिरर्स में देखने के लिए, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे नहीं करना यार, अगर मैं ऐसे मतलब स्ट्रेट जा रहा हूँ और मैं मिरर्स में ऐसे देखता हूँ तो दोनों तरफ इतनी इजीली इंफॉर्मेशन विजिबल है ना कि मैं दोनों तरफ देख सकता हूँ कि इधर क्या आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है मिरर्स में, सो मिरर्स आर गुड। बट लेकिन मिरर्स की जो डंडी है ये वाली, ये मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें कुछ किया जा सकता था, इसका डिज़ाइन है वो भी होंडा ने बिल्कुल ही यहाँ पर सिंपल रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब हम इस बाइक को ट्रैफिक में देखते हैं कि बाइक ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है। सो अभी मैं आ चुका हूँ सिटी के अंदर, और अभी मैं मुजफ्फरनगर के अंदर हूँ, और मुजफ्फरनगर में देखते हैं कि मुजफ्फरनगर में बाइक लेने लायक है नहीं। यार बाइक की मनोवरिंग बहुत मस्त है, मतलब ऐसे निकलती है ना एकदम भाई बिंदास, एकदम क्या बताऊँ बस,
जहाँ से तुम सोच नहीं सकते ना बाइक में, वो कॉन्फिडेंस देती है कि जहाँ से मर्जी निकाल लो बाइक। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं एक्सट्रीम ट्रैफिक मिले वहाँ पे मैं बाइक को राइड करके तुम्हें दिखाऊं। तो यहाँ पे ट्रैफिक में आ चुके हैं अब हम, और यहाँ पे हम एज ए रेस्पॉन्सिबल राइडर ही राइड करेंगे। जैसे एक आम आदमी राइड करते ऐसे कटवट नहीं मारूंगा मैं। और बाइक में यार हीटिंग इशू तो मुझे नज़र नहीं आया अभी तक, पैरों पे मुझे ज़रा सी भी हीट फील नहीं हुई। काफ़ी देर से मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ किसी भी तरीके की। सो फाइनली गाइज, अब हम लोगों ने इस बाइक के ऊपर 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एज यू कैन सी पूरे 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और बाइक चली हुई थी जब मैंने इस बाइक को मतलब चलाना स्टार्ट किया था, तो कुल 16 किलोमीटर ये बाइक चली हुई थी और अभी 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है बाइक के फाइनल वर्डिक्ट की, कि क्या तुम्हें बाइक परचेज करनी चाहिए या तुम्हें ये बाइक परचेज नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मैंने इस बाइक के तुम्हें सारे जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर दिए हैं। इसकी चाहे इंजन परफॉर्मेंस हो, इसके सस्पेंशन हो, इसकी लाइट वगैरह सभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है कि तुम अपाचे 160R को छोड़ के या हीरो एक्सट्रीम 160R को छोड़ के इस बाइक को क्यों परचेज करोगे। सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगा हीरो एक्सट्रीम 160R से इस बाइक का, वो है इसका वेट मैनेजमेंट। बाइक का वेट है केवल यहाँ पे 139 kg। ये 160cc सेगमेंट में सबसे लाइट बाइक है। तो अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी कम है, तुम ट्रैफिक में इस बाइक को ज्यादा चलाने वाले हो, तो दिस बाइक इज गुड फॉर यू। बहुत लोगों की शिकायत है कि जो बाइक का फ्रंट टायर है वो बहुत ही नैरो है, जिसकी वजह से जो बाइक का लुक है कि वो खराब हो जा रहा है। बट लेकिन अगर तुम इसकी प्रैक्टिकलिटी को देखो, तुम इस बाइक को राइड करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि बाइक का जो फ्रंट टायर है वो इतना स्लिम है, उसकी वजह से बाइक बहुत ही बढ़िया मनोवर होती है ट्रैफिक में। तो ये एक मुझे बहुत ही बढ़िया इसके एडवांटेज लगी। दूसरी एडवांटेज मुझे जो इस बाइक की लगी वो है इसका माइलेज। ये बाइक इजीली आपको माइलेज दे देगी अराउंड 50 किलोमीटर पर लीटर का। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार तुम्हारा जो एक सब्सक्राइब है तुम्हारे लिए तो फ्री है, बट लेकिन मेरे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे उतना मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तुम कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। मैं हमेशा सभी लोगों के रिप्लाई करता हूं और सबके क्वेश्चंस के आंसर करता हूं। सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टेक केयर, गुड बाय और राइड रेस्पॉन्सिबली।